मैं जानता था कि तुम जैसी लड़की कभी नहीं सुधर सकती, इसीलिए मैं ताईजी और गुंजन के फैसले के सख्त खिलाफ था। वो तुम्हें सुधरने का मौका देना चाहते हैं और तुम। मयंक जी, अब जब आपको सच्चाई पता चल ही गई है तो फिर टाइम क्यों गंवाना? आपको हम है, मौका है, दस्तूर है, माहौल है, तो फिर सोचना क्या? तुम पागल हो गए चारू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन मेरा नहीं, तुम्हारा ये नाटक अब मैं और चलने नहीं दूंगा। तुम्हारे सभी नाटकों को खत्म करने का टाइम आ गया है। तुम्हारी एक घिनौनी हकीकत मैं सबको बता के रहूंगा। मयंक जी, क्या तुम हमें इतना बेवकूफ समझते हो? ये चक्र भी हमारा रचाया हुआ है, क्या हमारे पास इससे निकलने का रास्ता नहीं होगा? दीजिए, सब तुम्हारी बात पे जरूर भरोसा करेंगे। चिल्ला चिल्ला के अपनी पत्नी को बताओ कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं। लेकिन क्या गुंजन तुम्हारा भरोसा करेगी? हमें नहीं लगता कि गुंजन इतनी बेवकूफ है कि इस नजारे को देखने के बाद आप पे भरोसा करे। कैसे करेगी? आपके हाव भाई कुछ ऐसे हैं, ऐसा सुख मिला है जैसा आपको अपनी पत्नी के साथ भी ना मिला। कहाँ चला गया भैया? एक मिनट, मयंकर कहाँ है? मैडम वो तो निकल गए। निकल गए? कब और कहाँ? जी ऐसा तो कुछ बताया नहीं। अच्छा ठीक है। जी मैम। ऐसे कैसे जा सकता है, मुझे तो उसने कुछ बताया नहीं। फोन करके दे। नाम लिया और शैतान हाजिर। गुंजन का फोन उठाइए और उसको बता दीजिए कि आपको हमारे साथ कितना मजा आ रहा है। उस कटी पतंग को बोल दीजिए कि आपके प्यार की पतंग अब हम हैं। मैंने अपने फोन क्यों कट कर दिया? पता नहीं कहाँ है और क्या कर रहा है।
तुम ऐसा क्यों कर रही हो चारू? आखिर तुम चाहते क्या हो? अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, ये सब देख के तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि हम आपसे क्या चाहते हैं। हम आपको चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? जब हमारी शादी हुई थी तो हमें वो पत्नी का प्यार नहीं मिला था, वो पति पत्नी का रिश्ता नहीं बना था। हम बस वही चाहते हैं जो हमने खो दिया। तुम्हारे इन सब बकवास का मतलब क्या है चारू? हम आपको साफ साफ लफ्जों में बताते हैं, हम आपके साथ एक रात बिताना चाहते हैं। पति पत्नी की तरह। यू गॉन क्रेजी चारू, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी विक्रम से शादी होने वाली है। हाँ, शादी विक्रम के साथ और सुहागरात आपके साथ। बस एक रात हमारे साथ बिता लीजिए, बाकी रातें हम आपको याद करके गुजार देंगे और फिर आपकी दुनिया से दूर, बहुत दूर चले जाएंगे। बस करो चारो, तुम ऐसे घिनौनी बात सोच भी कैसे सकती हो? मैं अपनी पत्नी गुंजन से बहुत प्यार करता हूं और उसके अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुमने जो करना है तुम कर लो, मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन अपनी पत्नी को मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी नहीं। धोखा? आप अपनी पत्नी को धोखा कहां दे रहे हैं मयंक? आप तो अपनी पत्नी के साथ ही रात बिताने वाले हैं। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? एक सेकेंड, हम अभी बता रहे। डिवोर्स पेपर। जिस पे आपने साइन तो किया था, लेकिन हमारा डिवोर्स हो नहीं पाया था क्योंकि हमारे सिग्नेचर्स में दो तीन जगह प्रॉब्लम थी। हमने जानबूझ के गलत साइन किया। एक सेकेंड, अभी दिखाते हैं। ये देखिए, और अब ये देखिए। कार्रवाई हुई थी वो गलत थी। कानूनन अब भी हम आपकी पत्नी। अब जाओ और उस नकचड़ी गुंजन को बता दो कि आपकी और उसकी शादी गैर कानूनी है, अपवित्र है, झूठी है। और इतने दिनों से वो एक ऐसे आदमी के साथ रही थी जिसकी उसके साथ शादी ही नहीं हुई। इसको फाड़ने का कोई फायदा नहीं है, ये तो कॉपीज है।
विक्रम के बारे में जरा भी ख्याल नहीं आया? बिट्टू, ये मिट्टू कहां चली गई? मंदिर में ही होगी, मंदिर जाकर देखते हैं। मयंक जी, आपकी बातों पे कोई भरोसा नहीं करेगा, लगता है आपको सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। एक सेकेंड। आ ये लीजिए, कैमरे में कैद हुए हमारे कुछ खूबसूरत पल, इन्हें देखिएगा और फिर डिसीजन लीजिएगा। लीजिए। मयंक, ये हमारे और आपके बीच का एक बहुत प्यारा सा सीक्रेट है, किसी को बताइएगा मत। और हाँ, एक बात और, हमारी जो एक रात आपके पास गिर भी पड़ी है, हम चाहते हैं कि विक्रम और हमारी शादी से पहले आप हमें वो रात लौटा दें। सात फेरों से पहले आप हमारे पास हमारा दुल्हा बनकर आए और हमें हमारी रात लौटाए। पति होने का फर्ज निभाए, ठीक है ना? और सारे अच्छे बुरे नतीजे सोच के लीजिए और जवाब हाँ में ही देना। भी नहीं है, मंदिर में भी नहीं थी, कहां चली गई हमारी बिट्टू? हमारी बिट्टू कहीं भीड़ में गुम तो नहीं हो गई ना? बिट्टू, मिठू तुम कहाँ चली गई थी? तुम नजर नहीं आई तो हम कितना डर गए थे मिठू। हम तो मंदिर में थे जी। मंदिर में? पर मिठू, हमने तो सब जगह देखा, तुम कहीं नहीं दिखाई दी मिठू। विक्रम जी, हम तो मंदिर में थे पंडित जी के साथ, आपकी सुख शांति, आपकी सेहत के लिए पूछ रहे थे कि क्या क्या विधि कर सकते हैं।
अगर आपको विश्वास ना हो विक्रम जी तो आप हमारे साथ चलिए, हम आपको पंडित जी से पूछवा देते हैं। भगवान करे इस बेवकूफ को विश्वास हो जाए बस। चलिए ना। नहीं नहीं मिठू, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम तुम पर खुद से ज्यादा विश्वास करते हैं। तुम नजर नहीं आई तो हम डर गए कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन अब तुम्हें ठीक देखकर तुम्हारे विक्रम जी भी ठीक हो गए। मिठू तुम ठीक हो ना? हम तो ठीक तब होंगे जब तुम अपना ये सारा हुआ मुंह लेकर हमारी जिंदगी से चले जाओगे। चलो चलो घर चलते हैं। सर अब मतलब केटी, साढ़े सात बज गए, क्या हम जा सकते हैं? तुम्हारा आज का काम कंप्लीट हो गया? जी हो गया। फैब्रिक एंड सैंपल डिजाइन स्टॉक रूम में रखो एंड देन लीव। केटी मुझे ना बहुत जरूरी काम था, तो क्या मैं जा सकती हूँ? पहले अपने यहाँ की आज की ड्यूटी कंप्लीट करो और अपनी बाहर की ड्यूटी कल कंप्लीट करना। तुमने सुना मैंने क्या कहा? ओके केटी। गो अहेड। अरे गुंजन बेटा क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे? तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? तुम दोनों तो कहीं बाहर जाने वाले थे ना? मयंक के साथ बाहर तो तब जाती जब मैं मयंक से मिलती। मैं उसके ऑफिस गई उससे पहले ही वो वहां से निकल चुका था और अब वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। ओहो बेटा इसमें इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है? अरे वो किसी अर्जेंट मीटिंग में गया होगा, जब घर आएगा ना तब मना लेना। अच्छा हम एक काम करते, हम उसकी पसंद की खीर बनाते, जब खीर देखेगा ना तो खुश हो जाएगा। चलो अब तुम भी मुस्कुरा दो। काकी माँ दर्शन बहुत अच्छे हुए। कैसा? काकी माँ ये आपके लिए। अरे इस सब की क्या जरूरत थी बेटा? काकी माँ ये एक छोटा सा तोहफा है हम दोनों की तरफ से, हमारे प्यार की भेंट। अगर आप ना होती तो हम दोनों एक ना हो पाते। प्लीज ले लीजिए। ठीक लव इट। विक्रम जी गुंजन तुमने हमें इतने प्यार से अपना लिया, इसीलिए विक्रम जी और हम तुम्हें बहुत बड़ा थैंक्स बोलते हैं और तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। इस नई दोस्ती के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया तुम्हारे लिए। विक्रम जी गुंजन भाभी प्लीज प्लीज मना मत करना।
थैंक यू। चले गए थे, बस एक रात हमारे साथ बिता लीजिए, बाकी रातें हम आपको याद करके गुजार लेंगे और फिर आपकी दुनिया से दूर, बहुत दूर चले जाएंगे। मैं तुम्हारे ऑफिस गई थी तुम्हें सरप्राइज करने के लिए, लेकिन तुम पहले ही वहां से निकल गए। बताओ ना कहां थे तुम? अब क्या मुझे पूरा दिन ऑफिस में बैठ के इंतजार करना चाहिए कि तुम कब आओगी और मुझे सरप्राइज दोगी? मयंक, मैं तो बस इतना कह रही थी तुम कि... सिर्फ हमेशा अपने बारे में ही सोचती हो। मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी हर बात पे ध्यान।